जौनपुर में झाड़ी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक प्रयागराज जिले का निवासी था। वह बुधवार शाम एक बारात में जाने के लिए घर से निकला था। आपको बता दें कि आज सुबह जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के पुरेसवा गांव स्थित झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के सिर पर धारदार हथियार से वार करके हत्या की गई थी। घटनास्थल के बगल में मृतक की बाइक भी मिली है। जेब में मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान प्रयागराज जिले के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के बैरहना पतैया गांव निवासी सर्वजीत तिवारी 35 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के अनुसार मृतक बुधवार की शाम बाइक से भदोही जिले के नागमलपुर गाँव में बारात में शामिल होने के लिए गया था। रात में जब वापस घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसे फोन किया, उसका फोन बंद गया। आज सुबह तालाब के पास लावारिश बाइक और झाड़ियों में युवक का शव देखते ही ग्रामीण जनों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पत्नी कंचन गांव के ही विद्यालय में शिक्षा मित्र है, उसके 2 बच्चे हैं। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस संबंध में मछली शहर के क्षेत्राधिकारी अतर सिंह ने बताया है कि मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है। 23/2/23 को ग्राम पुशेरवा थाना बरसठी जनपद जौनपुर अंतर्गत एक शव प्राप्त हुआ, जिसकी शिनाख्त सर्वजीत तिवारी पुत्र श्री आसाराम तिवारी निवासी पतैया बरहना थाना सराय ममरे जनपद प्रयागराज के रूप में हुई। शव के सर पर चोट के निशान थे, जिसकी सूचना मृतक के पिता श्री आसाराम तिवारी पुत्र श्री रामाधार तिवारी द्वारा थाना बरसठी पर दी गई है। सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। मृतक दिनांक 22/2/2023 को घर से मोटरसाइकिल से जल्द ही वापस आने को कहकर निकले थे। सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।